ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने आज का जो आपका लेक्चर नंबर 4 है, और इसमें हम देखेंगे कि सप्लायर के साथ हम कौन कौन से क्वेश्चंस करते हैं और उनको हम कैसे जो है सेटिस्फाई करते हैं, और उनको हमने कौन सी ऐसी बातें करनी होती हैं कौन, और इंग्लिश कैसे उनके साथ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इंग्लिश का इसमें लोगों को मसला होता है कि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, या फिर हमें कोई ऐसी जो है ना इंग्लिश बता दी जाए जिसको हम रट्टा लगा लें, या फिर ऐसा कुछ कर लें कि वो मतलब हमें उसकी समझ आ जाए, हम इजीली उसको कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, इसमें इतना भी ज़्यादा जो है ना इंग्लिश का आना इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, अगर आप जितना अच्छा कर लेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये कि आप इतना ज़्यादा इससे डर जाएं कि सिर्फ कॉल ही ना करें कि नहीं ये तो मेरे से हो गई नहीं क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं, या मुझे इंग्लिश बोलने में मसला होता है। हम पाकिस्तान में हैं बेसिकली, यहाँ पे हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लो में नहीं बोली जाती, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हर बंदे को ही होता है, ठीक है। लेकिन हमने अपने सप्लायर के साथ, ब्रांड्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कैसे करनी होती है वो हम आज देखेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में देखा कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड करने, आप लोगों ने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स देखे, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको हम फाइंड कर लें, देन उसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि हमें अपना काम करने में हमें उनके साथ ईजी होगा और वो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये देख ली कि हम सोर्स बेसिकली करते कैसे हैं, ठीक है। आप लोगों ने, उम्मीद है अब तक आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फाइंड कर लिए होंगे, आप लोगों ने उनके शीट भी बना ली होगी, आप लोगों ने टेक्निक्स यूज़ करके आप लोगों ने असाइनमेंट भी अपनी अच्छी क्रिएट कर ली होगी। अब आपका आगे जो है आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ऐसे करने हैं कि आप लोगों ने उनसे कैसे, आप लोगों ने कैटलॉग लेना है, उनसे बात कैसे करनी है, आपने उनको कन्वेंस कैसे करना है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने अब फाइंड तो कर ली है, फाइंड करने के बाद अब आप लोगों ने उनसे क्या लेनी है, उनसे अपने शीट्स लेनी है, उनसे आप लोगों ने पूछना है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसकी वजह से आपको वो काफ़ी हद तक आपको अप्रूवल दे देंगे। आपको अप्रूवल तो मिल ही जाएगा अगर आप खुद भी अपनी इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने जो है जो बताया जाए सिर्फ उसी को देखना है, नो, आपने जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आप खुद भी अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे पता क्या करते हैं कि सिर्फ उन्होंने 10-20 ब्रांड्स को फाइंड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कर लिया, उनको ईमेल करके या कॉल कर ली, अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो वो कहते हैं कि हमें तो अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, मतलब ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। हाँ बिल्कुल, ये मुश्किल चीज़ है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये 10-20-50 ये कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने कम अज़ कम जो है 500-600 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आप लोगों ने काम किया हो, उनको कॉल्स किए, उनको उनसे बात की हो, तो देन आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप ये बात नहीं कहेंगे बिल्कुल भी ये मतलब मुझे अप्रूवल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस क्राइटेरिया को देख लिया हुआ है। आप लोग सिर्फ इतने से ही, अभी स्टार्टिंग में ही क्राइटेरिया आपका 10-20 का है, तो आपको क्या लगता है, अगर तो आपको अप्रूवल इनमें से मिल जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपके लिए इनफ नहीं है। इतनी सी जो है ना, आपने इतने से डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर लिए, ये कोई इनफ नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने कम से कम, आप लोगों ने 200-300 डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड्स के साथ आपने कॉलिंग की हो, उनके साथ आप लोगों ने अपना अच्छा सेशन किया हो, उनके साथ आप लोगों ने कॉलिंग पे अच्छे तरीके से बात की हो, आप लोगों ने कम से कम 10-20 के साथ जब बात की, आपको लगा कि नहीं ये अप्रूवल नहीं दे रही, या मेरे से कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है जो कि मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना इसको मैंने सेट करना है, ठीक है। मैं मतलब ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिनकी वजह से मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो वो आप ऐसे ही करेंगे ना, जब जब आप 200-300 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करेंगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ आएंगी ना। आप लोगों ने 10-20 से कर ली, आपको अभी तक फाइंड ही नहीं हुआ कि आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना ही आपके लिए मुश्किल नहीं होगा,
ठीक है, कि मतलब आप कहें कि ये तो बहुत मुश्किल हो गए, आपने कम से कम इतने 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जिसने ब्रांड्स के साथ जिसने बात कर ली ना, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे अप्रूवल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसको जब ये क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लेगा, उसको डेफिनेट बात है 100% उसको अप्रूवल मिल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उसने उतने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ब्रांड्स के साथ जब बात की, उसको पता चल जाता है कि अब मैंने जो है ना यहाँ पे इस सिचुएशन पे मैंने कौन सी जो है ना इनको टैकल कैसे करना है। ठीक है, अगर ये मुझे अप्रूवल नहीं दे रहा या मुझे कह रहा है कि नहीं अभी जो है ना Q4 चल रहा है, तो मैं आपको फेब्रवरी में आपसे काम स्टार्ट करूंगा, तो अभी जो है ना आप हमें ईमेल कर दें और हम आपको तब जाके जो है ना वो बताएंगे और रीमेल करेंगे और तब आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जब तक आप लोगों ने Q4 में जब तक आपने कॉलिंग नहीं की होगी, तो ये तो आपको इस बात का तो पता ही नहीं चला होगा कि ये भी क्वेश्चंस होते हैं। आगे से ब्रांड ये कह देता है जब वो मतलब ना आपके लिए हाँ होता है ना आपके लिए ना होता है। ठीक है, तो फिर उसको आपने कैसे जो है ना उसकी शीट कैसे बनानी है, उसको आपने मेंटेन कैसे करना है कि मैंने इसके साथ फेब्रवरी में काम स्टार्ट करना है, मैंने इसको याद कैसे दिलाना है। तो ये जब तक आप खुद चीज़ों को करेंगे, इतना ज़्यादा जब आप काम करेंगे, तो जाके आपको जो है ना ये चीज़ें समझ आएंगी। ये थोड़े बहुत के साथ काम करने से डेफिनेट बात है, आपने कहने कहना है कि मुझे अप्रूवल ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आपका उस वो एक्सपीरियंस ही नहीं हो पा रहा। अभी तो ये 10, 20, 30, 40, 50 ये कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल जीरो है, स्टार्टिंग है। मैं कहता हूँ आपको 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी आप लोगों ने अगर बात की है ना, उनमें से अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सिर्फ आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने डिसहार्ट नहीं होना। इसलिए अगर आपने 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या ब्रांड्स के साथ बात की, अगर वो आपको अप्रूवल नहीं दे रहे, तो आपने समझना है कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, मतलब अभी ये मेरी स्टार्टिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, इतना भी आसान नहीं है जितना ये समझा जाए कि मतलब ये बस अप्रूवल ऐसे ही मिल जाते हैं। नो, ऐसे नहीं होता। ये आपने अपना एक्सपीरियंस बनाना है। बेसिक कैसे होती है? बेसिक आप लोगों ने वो मैं आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो हम सप्लायर से करते हैं, ये देखें। ये सबसे पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और जो हम उनसे करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, व्हाट इज योर MOQ, डू यू अलाउ ऑन Amazon, कैन यू शेयर योर कैटलॉग। अच्छा जी, व्हाट इज योर MOQ, MOQ या MOV, MOQ आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, जब आप उनको कॉलिंग पे ले रहे होते हैं तो आपने ये डायरेक्ट नहीं ये कहना, डायरेक्ट आपने बात कैसे करनी है कॉलिंग पे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो आपने करने ही करने होते हैं, मस्ट आपकी, वो वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ये देखिए, बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड मैंने आपको ये जो है ना डाटा दे दिए, ताकि किसी को कोई मुश्किल ही नहीं हो सकती। अगर कोई बिल्कुल बेसिक से है उसके लिए भी ये बिल्कुल ईजी है, उसके लिए भी ये बेसिक बिल्कुल इनफ है ये, और अगर कोई इसको पहले से ही यूज़ कर रहा है तो इंशाल्लाह ये चीज़ें उसके नॉलेज में और इजाफा करेंगे। डू यू अलाउ ऑन Amazon, क्या आप Amazon के ऊपर अलाउ करते हैं? आपने ये जो सेकंड पे है ना, आपने इसको सेकंड पे नहीं है ये वाली बात करनी, इसको आपने क्या करना है एंड पे आप कीजिएगा। ठीक है, डू यू अलाउ ऑन Amazon। ठीक है, अच्छा जी, आपने व्हाट इज योर MOQ के बाद आपने पूछना है कैन यू शेयर योर कैटलॉग, डू यू गिव मी प्री इनवॉइसेस। अब ये प्री इनवॉइसेस क्या है और कैटलॉग क्या है? कैटलॉग होता है बेसिकली कि एक डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड होता है, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास प्रोडक्ट्स होती हैं। वो आपको एक एक प्रोडक्ट का के आपको नहीं बता सकता कि हमारे पास इतनी सी प्रोडक्ट है इनको देख लें, उनके पास वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स की एक शीट होती है, वो कैटलॉग होता है, उन्होंने मैनेज किया होता है। आप लोग जब उनसे पूछते हैं, उनके ऊपर आपको होल सेल की प्राइसेस मिलती हैं। ठीक है, आपको रिटेल वाली प्राइस नहीं मिलती, आपको होल सेल वाली प्राइस वो देता है। तो और उसके साथ आप मिनिमम ऑर्डर कितना कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, MOQ, वो भी उन्होंने साथ लिखा होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कैटलॉग। तो वो आपको शेयर कर देगा, तो आपके लिए प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सम टाइम ऐसे होता है कि वो कैटलॉग अपना शेयर नहीं कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कर रहा होता है कि सम टाइम वो कहते हैं कि आप हमारी ये वाली वेबसाइट है, इस लिंक को ओपन करें, वहां पे जाके आप लॉग इन करें और हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको होल सेल की प्राइसेस होना जो है ना शो हो जाएंगी। ठीक है, जब आपको होल सेल की प्राइसेस वो कहता है कि वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख लें, वो इसलिए बेसिकली कह रहा होता है कि मैं अगर इसको कैटलॉग दूंगा तो इसकी जो सी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी ये सिर्फ वही परचेज करेगा, बाकियों को ये नहीं देखेगा। तो उसकी ये कोशिश होती है कि ये वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को परचेज करे। ठीक है, अच्छा जी, डू यू गिव मी प्री इनवॉइसेस। अब आपने ये पूछना है, प्री इनवॉइसेस जो होती है ना बेसिकली, ये अगर तो आपको मिल जाए तो बहुत बहुत आपके लिए जो है ना फायदा है, और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। प्री इनवॉइसेस बेसिकली ऐसे होते हैं कि अभी आपने ऑर्डर किया भी नहीं होता, अभी आपने पेमेंट की भी नहीं होती डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे पहले ही जो है ना आप
10 यूनिट की जो है ना मुझे बना के देना, एक इनवॉइस। मैं आपकी इनवॉइस जो है वो अमेजोन को एक्सेप्ट करवा के देखता हूँ, और ये वाली प्रोडक्ट आपकी क्या है वो आ रही है मेरे अकाउंट के ऊपर गेटेड आ रही, मेरे अकाउंट के ऊपर लिस्ट नहीं हो रही। अगर तो अमेजोन आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट करके मुझे आपकी जो लिस्टिंग है उसको अलाउ कर देता है लिस्टिंग के लिए, अनगेट प्रोडक्ट कर देता है, तो मैं आपसे ये वाली प्रोडक्ट बल्क में परचेज करूंगा। तो ये वाली जो प्री इनवॉइस होती है ना, ये समझ लें कि 100 में आपको, अगर आप 100 ब्रांड्स को कहते हैं ना या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, तो इतने कम चांसेस होते हैं कि आपको सिर्फ एक ही उनमें से देगा, या वो भी नहीं देगा प्री इनवॉइस, ठीक है। लेकिन आपने ये करना है, आपको दे भी देते हैं। मैंने रिसेंटली जो है ना आपको बताया कि मुझे जो है एक ब्रांड से मैंने अभी कुछ भी परचेज नहीं किया, और उसने मुझे $1,000 की जो है वो प्री इनवॉइस बना के दी, अमेजोन को दी, अमेजोन ने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, और वो कैटेगरी जो है या वो वाली प्रोडक्ट अनगेट हो चुकी है, ठीक है, और उसको मैं इजीली सेल कर सकता हूँ। अभी मैं अगर उसको परचेज भी ना करूँ, ठीक है, मेरे पास इनवॉइसेस पड़ी हुई हैं, मैं अगर इन फ्यूचर उसको जो है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा अगर सेल्स आ जाती हैं, या जब मेरा दिल करेगा मैं उसको तब भी परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनवॉइसेस आ चुकी हैं, अब मेरे पास जो है उसका होलसेल का अकाउंट ओपन हो चुका है ब्रांड के साथ। मैं जैसे जाऊंगा मुझे होलसेल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो जाएंगी, और मेरे पास उनकी क्या है, मेरे पास उनका कैटलॉग है, मैं उनमें से जो सी प्रोडक्ट होगी मैं उनसे बात करूंगा, और उनको पेमेंट करके मैं वो प्रोडक्ट परचेज कर लूंगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इजी आपका जो है ये प्री इनवॉइसेस बिजनेस को कर देती हैं, काम को इतना ज़्यादा इजी कर देती हैं, और मिल भी जाती हैं प्री इनवॉइसेस। अगर आप अच्छे तरीके से, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये मिल भी जाएंगी, आपको मिलेंगी भी जब आप इसको अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देंगे, कॉलिंग करना, मेलिंग करना, ये जब आपको चीज़ें आ जाएंगी, और क्वेश्चन करना आपको जब आ जाएंगे। डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज? इसमें लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज क्या होता है, आप लोगों को अगर लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है ना, तो फिर आपको वेयर हाउस की या 3PL की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आपको 3PL की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपसे जो है कुछ इसके चार्जेस लेता है सर्विसेज के, डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या करता है, लेबल आपसे लेगा, लेबल लगा के वो शिप आपकी प्रोडक्ट जहाँ कहेंगे वो वहाँ पे उसको शिपिंग कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको वो दे रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं भी दे रहा सर्विसेज ये वाली, तो कोई मसला नहीं है, वो शिपिंग आपको करवा देगा, आपके जो 3PL वेयर है उसे आपने उनको एड्रेस देना है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट को भेज देगा, वहाँ से आपने क्या करना है उसकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग आपने करवा के अमेजोन को शिप करवा देना, ठीक है। तो इसमें इतना मसला नहीं होता, आप 3PL को भी यहाँ से हायर कर सकते हैं। इज देयर एनी डिस्काउंट इफ़ वी परचेज इन बल्क? आपने कहना है कि मतलब हम बल्क में परचेज करना चाहते हैं, तो हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती हैं, आपको होलसेल प्राइसेस पे देते हैं, लेकिन ये होता है कि थोड़ी सी आपको बात को बढ़ाने के लिए जो है आप कहेंगे, तो हो सकता है वो आपको कहें हाँ ठीक है, अगर आप इतने हमसे जो क्वांटिटी है वो परचेज करते हैं, MOQ से ज़्यादा कर लेते हैं अगर आप इतनी, तो देन आपको इतना हम डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है, तो वो आपको जो है और भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। आर यू ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड? अच्छा, आपने क्या कहना है, कोई भी आप ब्रांड पकड़े, डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ेंगे ना, आपने क्या करना, उसके पास जिस भी ब्रांड की, समझने के एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास डव की प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपका जो, आप क्या डव से ऑथोराइज हैं आप, ठीक है, अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो इट मीन्स के वो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है, उसकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट हो रही होंगी। आपने ये क्वेश्चंस करने, अब आपने करने कैसे, ठीक है, आप क्या करते हैं कॉल को उसको लेते हैं, आपने कॉलिंग कैसे करनी है, कॉलिंग टू सप्लायर। अच्छा, ये बिल्कुल ईजी आपके लिए बनाया हुआ आपके लिए, ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबा चौड़ा नहीं है, आपने सिर्फ इतने से ही बात करनी है, और इसको थोड़ा सा आपने आपने ग्रीटिंग लाजमी अच्छे से करनी है, ठीक है। इसमें ये होता है कि उसको थोड़ा सा इसमें अच्छा फील हो रहा होता है जब आप बात कर रहे होते हैं सप्लायर से, ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज हैरी फ्रॉम स्नेल ट्रेड LLC, वी आर अ रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट, ठीक है। अब ये जैसे मैंने बोला, आपने ऐसे नहीं बोला, ऐसे उसको मतलब वो बात आप उसकी सुनेंगे नहीं, और आपको वो उनको ये ऐसे लग रहा होगा कि ये कोई नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्टार्टिंग से ही आपने कहना है हेलो दिस इज, आपने कोई सा भी इंग्लिश नेम रख लेना, ठीक है, आप नेम कोई सा भी इंग्लिश आप रख के उस चेंज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं आप पाकिस्तानी नेम लें, क्योंकि वो थोड़ा सा उधर वो वाले नेम नहीं चल रहे होते, इसलिए उनको डिफिकल्टी होती है, ईजी उनके लिए होता है कि अगर आप कोई इंग्लिश नेम ले लेंगे, ठीक है, आप समझ लें कि अपना नेम जॉन रख लेते हैं, ठीक है, आप कहते हैं हेलो दिस इज जॉन, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर ऑफ स्नेल ट्रेड LLC। अब ये देखिए मैंने इसको स्लोली बोला है, आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस कर करके इसको स्पीड से करना है आपने, ठीक है। हेलो दिस इज जॉन फ्रॉम स्नेल ट्रेड LLC, आई एम द सेल्स मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, हाउ आर यू, ठीक है।
आप थोड़ा सा इसको अगर आप जितनी आप स्पीड से करते जाएंगे ये उतना ही ज्यादा शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। हेलो दिस इज उस्मान, मेरे मुंह से निकली जा रहे, हेलो दिस इज जॉन फ्रॉम स्नेल ट्रेड LLC, हाउ आर यू, ठीक है। आपने हाउ आर यू वो कहेगा यस आई एम फाइन, तो वो थोड़ा सा उसके लिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपने उसके बाद कहना है ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो आपने लेट मी नो ऐसे करके नहीं कहना, ठीक है। आपने कहना है ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज जॉन फ्रॉम स्नेल ट्रेड LLC, वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट, जस्ट वॉन्टेड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन इफ वुड यू अलाउ मी। वो कहेगा मतलब ठीक है आप करें मेरे साथ क्वेश्चन, तो आपने कहना है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड यू प्लीज टेल मी वट इज योर MOQ, ठीक है। ऐसे ये मैंने एक क्वेश्चन किया, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो से मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए आपने उनको टाइम टू टाइम मतलब जो वो आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उस हिसाब से आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने वो क्वेश्चंस पूछ लेने हैं, ठीक है। मतलब वो आपने सारे के सारे क्वेश्चन पूछने, देन आपने एंड पे पूछना है ओके सो डू यू अलाउ सेलिंग ऑन अमेजोन। अगर वो कहता है नो तो आपने क्या करना है ओके डू यू अलाउ सेलिंग थ्रू वेबसाइट, आस्क ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपने जोन से आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताए आपने वो करने हैं, और ये इन क्वेश्चन को आपने क्या करना है इनको लाजमी अपनी प्रैक्टिस करना है। आप 2 से 3 दफा 4 दफा 5 दफा इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपने क्या करना है आपने उनसे ऐसे बात करनी है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है आपने उनको मेल कैसे करना है, ठीक है। अब ये मेलिंग टेम्पलेट है, ठीक है, ये आप लोगों को वैसे शेयर कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने जरूरी नहीं कि इसी को ही कॉपी करना है, आप इसमें थोड़ी सी अपनी भी चेंजेस कर सकते हैं, इसको और ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये इनफ है बिल्कुल, ठीक है। तो इतना सी शॉर्ट उनको समझ भी आ जाएगी कि आप क्या करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा ये मेलिंग टेम्पलेट में आपने मेल कैसे करना है, दिस इज जॉन हैरी फ्रॉम स्नेल ट्रेड LLC, वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, ठीक है। तो आप कहते हैं कि हम टेक्सास में काम करते हैं, टेक्सास में हमारी कंपनी है, ठीक है। वी मेनली सेल थ्रू आवर ओन वेबसाइट एंड आर सून गोइंग टू ओपन अ ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर एज वेल। ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर बेसिकली ऐसे होता है कि जैसे हम एक जो है फिजिकल स्टोर बनाते हैं, फिजिकली हम एक शॉप बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर। इसका ये मतलब होता है कि आप मतलब फिजिकली अवेलेबल है, उसको ज्यादा लगता है कि ये मतलब ये ऑथेंटिक है, ये कंपनी एक ऑथेंटिक कंपनी है, ठीक है। बिलो इज आवर वेबसाइट, मतलब आप लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, और आप जो है सोच रहे हैं कि आप फर्दर इसका क्या करेंगे ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर आप क्रिएट करेंगे। देन आपने क्या करना है अपनी वेबसाइट का आप लोगों ने लिंक नीचे आप लोगों ने ऐड कर देना, जो उनसे भी आपकी वेबसाइट होगी कंपनी की, आपने वो मतलब जैसे आपका जब आप कॉल करते हैं कॉल के बाद आपने कहना है कि ऑलरेडी मैंने आपको ईमेल किया हुआ है, आप मेरे ईमेल को, वो आपसे पूछेगा ईमेल, तो देन आपने ईमेल कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ईमेल आपने क्या होता है कि आपने जैसे फर्ज करें आप बताते हैं इन्फो, ठीक है, आपने बताना INFO @ ठीक है जॉन हैरी LLC.com, ठीक है। अब जॉन हैरी के आपने स्पेलिंग बताने, समझ आ रही, मतलब ताकि उनको जो है क्योंकि काफी ज्यादा उनके पास मेल्स होते हैं, तो आप एक्यूरेट बताएंगे, करेक्ट आप स्पेलिंग्स बताएंगे, तो वो जब सर्च करेंगे तो आपका ईमेल उनको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। वो जैसे आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है इनके पास जो है वो ये वाकई में ही कंपनी है, और ये देखिए इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और ये एक इनकी वेबसाइट भी है, ठीक है। तो आप जब ये करेंगे फिर आपने कहना है आवर परचेजिंग कैपेसिटी इज $30K टू $50K पर मंथ, मतलब $30,000 से 50,000। ये आपने जब ब्रांड को मेल करना है ना तब आपने जो है ना इतनी उसको कैपेसिटी बतानी कि हमारी मंथली जो है ना कैपेसिटी परचेजिंग की इतनी है, मतलब आप जो से भी हमें प्रोडक्ट्स देंगे आपका अगर MOQ जितना भी ज्यादा होगा तो इतना तो होगा ही ना, इतना मीट करता होगा, ठीक है। मतलब ब्रांड का इतना ही MOQ होता है, तो आप उसको ईजी हो जाएगा कि वाकई में ठीक है ये मतलब एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है ये अच्छी कंपनी है, तो वो आपको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अप्रूवल मिलने के। वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग विद अस, लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। ये तो क्या करना है आपने ईमेल ही करना है ना ये वाला, ठीक है। कुड यू प्लीज शेयर योर टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग दिस, लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। आगे आपने जो है वो डिटेल्स दे देनी है अपनी LLC की और अपने एड्रेस की आपने, ठीक है, आपने मतलब कॉन्टैक्ट आपने डिटेल्स दे देनी है। तो ये बेसिकली अभी जो है कॉलिंग के ऊपर आप लोगों ने आपने सबसे ज्यादा फोकस आपने कॉलिंग पे रखना है, कॉलिंग के बगैर समझ ले कि आपका होलसेल नहीं हो सकता। सिर्फ ईमेल के ऊपर अगर आप लगे रहेंगे, ईमेल जो है वो उसका कभी आपको रिस्पॉन्स मिलता है कभी आपको मिलता ही नहीं है, तो आपने क्या करना है इसी तरह आपने कॉलिंग पे आना है,
और कॉलिंग के अकॉर्डिंग ही, जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ वो यही आपसे क्वेश्चंस करेगा, यही आपको क्वेश्चंस करने के पड़ेंगे, ये बेसिक है, मतलब ये आपने करने ही करने, ये मस्ट है आपने, ठीक है। तब आपको जो है वो पता चलेगा कि वाकई में ये ऑथेंटिक है नहीं है, अमेजोन पे अलाउ करता है नहीं करता, इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं नहीं होती, ये क्वेश्चंस इतने हैं कि इसमें आपका ये सारा का सारा जो है ये कवर हो जाएंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन आपको जब वो कोई और चीजें पूछता है आपसे, जो कहता है कि हाँ ठीक है मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना हमें सेंड कर दें, आपको वो कहेगा कि ठीक है आप हमारे साथ अकाउंट रजिस्टर करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, तो आप वहां पे आपने उनसे ये क्वेश्चंस लाजमी करने, आपने कहना है ओके ठीक है मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, तो लेकिन हमें ये वाली चीजें बता दें, आपने बहुत पोलाइटली उनसे बात करनी, जितना पोलाइट, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती वो गुस्से में आके कॉल भी बंद करते, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि नहीं, मतलब आपने कॉन्फिडेंस अपना लो नहीं करना, आपने यही समझना कि नहीं कुछ नहीं होता ऐसे ही होता है, ये काम चलता ही ऐसे, ठीक है। उनके पास एक कॉल नहीं आ रही होती या उनके पास एक ईमेल नहीं आ रहा होता, ठीक है, कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी उनको बात अच्छे से कन्वेंस नहीं कर पा रहे होते, उनको बता नहीं पा रहे होते, उनको समझ नहीं आ रही होती, वो कॉल बंद कर देते हैं, ठीक है। आपको ये लगता है कि नहीं अब जो है ना मैं नेक्स्ट कॉल नहीं करूंगा, कुछ नहीं होता, आपने नेक्स्ट कॉल फिर करनी की किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। आपने खुद अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही बनाना है कॉलिंग में, कॉलिंग के ऊपर आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बनाएंगे उतना ही आपको चांसेस हैं अप्रूवल मिलने के, और अप्रूवल मिलता ही ऐसे, ठीक है। तो अभी आप लोगों के जो कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए आपको अगर शेयर्ड बेसिस पे वाई का या फिर स्काइप का नंबर नहीं मिल रहा तो वो आप लोगों को खुद परचेज कर लें, वो ज़्यादा सबसे बेस्ट है, ठीक है। शेयर बेसिस पे ये होता है कि क्योंकि आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, उसमें आपको जो है वो कम प्राइस के ऊपर आपको चीप रेट्स के ऊपर मिल जाता है, नहीं तो आप अगर आप लोग खुद मिलके परचेज करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसमें होता है कि आपको कोई भी जो है वो चांसेस नहीं होते कि आपका कोई पासवर्ड चेंज कर, ऐसी किसी किस्म की आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं, अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही बता दें, मैं आपको साथ साथ जो है वो जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल कहाँ से परचेज करें, प्रोफेशनल ईमेल जो होता है ना वो बेसिकली होता है वेब मेल, अगर आप लोग वेब मेल परचेज करेंगे ना तो उसका मतलब होता है कि आपको वेब होस्टिंग भी साथ परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। वेब होस्टिंग बेसिकली ऐसे होता है कि आपको एक वेबसाइट फिर बनानी पड़ेगी, तो वो वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर साथ आपको जो है वो डोमेन भी परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग खुद अपना करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, 12-13 हज़ार रुपये में आपको इजीली पड़ जाएगा या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप शेयर बेसिस पे ले लेते हैं, आपको सर्विसेज बहुत सारे लोग जो हैं ये आप जा सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, अमेजोन के फेसबुक के ऊपर, तो आप उन ग्रुप्स में आप करें पोस्ट करें, आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडर्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग खुद भी सर्विसेज दे रहे होते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम, इफ़ वी टोल्ड ब्रांड दैट वी हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम बजट एक्सेट्रा, बटर क्लाइंट डज नॉट हैव दैट बजट देन, नहीं, जो ब्रांड के साथ अगर आप काम करेंगे ना तो आपके क्लाइंट के साथ अगर के पास अगर इतना बजट ही नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, मेन चीज़ है आपने अप्रूवल लेना है बस, बजट हो चाहे ना हो अप्रूवल आपने लेना है। आपका क्लाइंट अगर नहीं ले रहा, अगर वो उसके पास इतना बजट नहीं है तो वो वाली प्रोडक्ट आप किसी को सेल कर सकते हैं, आपके पास अप्रूवल होगा ना तो आप किसी को कह सकते हैं कि मेरे पास ब्रांड का अप्रूवल है मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। अगर आपका प्रेजेंट जो है आपका क्लाइंट है वो नहीं कर सकता इतनी परचेजिंग तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपके पास और क्लाइंट्स आएंगे, आपके पास मेन होना चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पास जितने हों
आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि मेरे पास तो इतना वो बजट ही नहीं होगा कि मैं परचेज नहीं कर सकूंगा। बहुत लो होंगे, आप ऐसे करें, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपसे परचेज कर लेंगे, ठीक है। ग्रेबले ग्रेबले एक्सटेंशन काम नहीं कर रही, क्या रीज़न हो सकती है? नहीं, अब तो ग्रेबले एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें अच्छी अपडेट आई है। अब तो वो साथ साथ उसकी क्वांटिटीज, मतलब एक पेज के ऊपर ही आपको एक्सटेंशन ये वाली बहुत अच्छा काम करी, फ्री में बहुत ज़बरदस्त आपको ये काम करी। आप उसको ऐसे करें, दोबारा से इंस्टॉल करके आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। आई हैव पोस्टेड इन इनेबलर्स ग्रुप फॉर शेयर बेसिस नंबर, बट दे सेट टू बाय फ्रॉम स्काइप और वाइक डायरेक्ट। हाँ, तो ये ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं वो भी कर लें। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसके आपसे पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आपका पासवर्ड चेंज करते हैं। इसी वजह से मैं भी जो है ना कोई डेडिकेटेड बंदा नहीं बता रहा होता, क्योंकि बाद में ऐसे कोई इशू बन जाए तो वो फिर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आई एम नॉट गेटिंग शेयर बेस्ड नंबर एनी वेयर, नो नंबर नो ई मेल। सर, आप अपना नंबर दे देना वाई का। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ ना, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने खुद परचेज करनी है ना, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको हर चीज़ जो है ना वो फ्री में तो नहीं मिल सकती ना। कोई भी आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्री में नहीं देगा, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, ये आपने खुद ही इसको परचेज करना है, ठीक है। टूल्स और आपको वाइक का नंबर, ये आपको अगर इतनी सी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इट मीन्स कि आप इसमें सीरियस नहीं हैं, आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते। जो इसमें सीरियस है, जिसको पता है कि मैं इसको करना चाहता हूँ, वर्थ इसकी है, तो वो डेफिनेट बात है वो इतनी सी वो कर लेगा, ठीक है। इतनी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। आई विल परचेज बट फ्रॉम वेयर आई कैन। आपने ऐसे करना है, आप जाएं वाइक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आप चले जाएं और स्काइप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे आप अपना कार्ड लगाएं, कार्ड लगाने के बाद पेमेंट करें, और जो सा आपने लॉगिन किया होगा आप लॉगिन करें, आपके पास उसकी मंथली जो है वो आ जाएगी, ठीक है। आप पर टू एस्टीमेट इतमाद है ना, और हमको भी फ्री नहीं सर, आप पैसे ले लीजिए। नहीं, देखिए पैसे हम नहीं लेना चाहते ना, आप खुद परचेज कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर मैनेज नहीं हो पा रही होती ना, वो और बहुत काम होते हैं। आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑथेंटिक पर्सन, इसीलिए जो है ना ये देखिए, ऑथेंटिसिटी की वजह से जो है, कोई भी थे पहले दो तीन, तो बाद में कुछ इशू बन जाते हैं तो लोग वैसे भी कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे साथ जो है ना स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए अब कोई भी जो है ना डेडिकेशन के साथ या कोई भी ऑथेंटिक पर्सन हम नहीं बता रहे होते कि आप इससे जाकर परचेज करें। आपने ये जो है, या तो आप अपनी जो जिम्मेदारी के ऊपर परचेज कर लें, ठीक है, बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, नहीं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रहा होता, क्योंकि बहुत सारे आप में ऐसे जो हैं वो बिल्कुल न्यूबीज होते हैं, और इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी सी उनके लिए जो है ना वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा होता हूँ शेयर बेसिस पे ले लें, वो थोड़ा सा जो है आप बजट में आ जाती हैं। सर, प्रोडक्ट रिसर्च में हम जिस भी अच्छे प्रोडक्ट पे जाते हैं उस पे अमेज़ॉन बैठा होता है। ओके ओके, एक मिनट ज़रा, मैं इसका आपको कर रहा हूँ रिप्लाई। एक मिनट यार, अमेजोन ऐसे होते हैं ना, अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर अगर अमेजोन बैठा हुआ है उसको आप छोड़ दें, अमेजोन की प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना, आपने फाइंड ही वो करनी है जिसके ऊपर अमेजोन ना हो। स्काइप वाला जो बता रहे हैं उसकी स्मॉल वीडियो बना के आप अपनी यूट्यूब पे लगा दें। ओके ठीक है जी, स्काइप का आपको बता देंगे कि आपने कहाँ से परचेज करना है। हाउ आई विल गेट प्रोफेशनल मेल, ये हमको सेंड कर दें, मैं तो बिल्कुल न्यू भी हूँ। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि ये शेयर बेसिस पे जो है अगर आप ले लेते हैं, अगर सबसे बेस्ट यही है कि जोन से आप लोग ग्रुप में है ना जो इंटरेस्टेड हैं, आप लोग एक दूसरे से बात करके और ऐसे करें, एक जो है आप में से परचेज कर लें, ठीक है। परचेज करने के बाद आप इकट्ठी जो है ना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, आपके हिस्से में जितनी आती है वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको कोई इशू भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो ऐसे सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी आपको मैं बता दूंगा, जो प्रोफेशनल वेबमेल होता है ना, वो बेसिकली उसके साथ जैसे आप लोग एक बनाते हैं ना वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उसके लिए होस्टिंग की आपको जरूरत पड़ती है ना। होस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ईमेल आता है तो उसको आप रिसीव कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक होस्टिंग बाय करते हैं, वो होती है मतलब आप डोमेन परचेज करते हैं, तो वो आपको कॉस्टली पड़ जाती है। तो अगर आपको ये शेयर बेसिस पे ये वाली आप ले लेते हैं ना, तो उन्होंने ये पहले ही जो है अपनी होस्टिंग या सारी कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की होती है, उन्होंने बनाई होती है। इसका मकसद सिर्फ आपको इसलिए आपने लेना होता है कि आपको ब्रांड का पता चल जाए कि कौन से ऐसे ब्रांड्स या कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अप्रूवल देते हैं, और उनकी प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो एक्सेप्ट होती हैं अमेजोन के ऊपर। सिर्फ आपने ये फाइंड करना होता है। जब आप फाइंड कर लेते हैं, जब आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है ना, तो क्लाइंट आपको सारी की सारी अपनी डिटेल्स वाली जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिर आपको ये परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, जिस पे अमेजोन नहीं होता उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स बहुत कम होती हैं। आपने बेसिकली देखे ना, यही तो क्राइटेरिया है। अगर आप ऐसे देख के तो आप छोड़ देंगे तो मतलब ये नहीं है कि आपको और प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, मिलती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। आप इनको छोड़ें, आप ऐसे करें नेक्स्ट पे जाएं, ठीक है, और ऐसे ही होता है। एक को छोड़ें, अगर नहीं आपके क्राइटेरिया पे आ रही उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट चले जाएं। इफ़ आई बाय डायरेक्ट फ्रॉम स्काइप हाउ मच इट विल कॉस्ट, ये पहले मैं इसकी प्राइस आई थिंक इसकी पता नहीं कितनी थी, ये मैं आपको देख के वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके प्लान्स होते हैं, उसमें आप लोगों ने अगर अनलिमिटेड लेनी है मतलब कॉल्स और अनलिमिटेड आपने मैसेजेस लेने हैं, तो उस हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ती है। अगर आपने लिमिटेड उसके ऊपर कॉल्स या लिमिटेड मैसेजेस लेने हैं, तो उस हिसाब से जो है ना उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप लोग लाजमी परचेज करें, ठीक है। अगर आप लोग इसको परचेज करते हैं, आप लोगों ने जो है हमें इनकी आप लोगों ने ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट भेजें कि ये देखें आपने अपने नेम के ऊपर इन चीज़ों को परचेज किया हुआ है, और देन आपको जो है अपनी कंपनी के हम आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। इतना आपके लिए कर लेंगे कि जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। आई विल ट्राई अगेन इन अदर ग्रुप, इनेबलर्स ग्रुप हैव नॉट एनी रिस्पॉन्स। जी बिल्कुल ऐसी है ना, अब सर्विसेज वाले जो हैं वो लोग आपको फाइंड करने पड़ेंगे। उससे अच्छा यही है कि आप ऐसे करें, खुद परचेज कर लें सब लोग मिलके, ठीक है। असाइनमेंट इज नॉट चेक, आई वॉन्ट योर रिव्यू अबाउट माई वर्क। ओके ओके, इंशाल्लाह मैं इसको पर्सनली खुद आज चेक करता हूँ, आप लोगों की जौन सी असाइनमेंट्स हैं उनका साथ साथ जो है आपको मिल जाएगा रिव्यू, ठीक है। लाइट बहुत ज़्यादा इशू कर रही है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग होती हैं, और कल की क्लास भी आपकी इसी वजह से जो है ना उसका इशू बना। इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अभी समझ लें कि ये आपका बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम आ चुका है, क्योंकि ये जो जनवरी है ना इसमें भी बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही होती हैं, ठीक है। समझ लें कि अब आपका वो टाइम आ चुका है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स मिलेंगे। अभी जो जो सी आपको ये वाली आप में से जो बंदा इसमें ये स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेगा ना, इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रूवल्स भी मिलेंगे, और उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि आपका अकाउंट अगर उसके ऊपर सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है ना, और उस डिस्ट्रीब्यूटर की आपको लगता है कि प्रोडक्ट की जो है ना असाइनमेंट अगर सॉरी उसकी इनवॉइसेस जो है ना वो एक्सेप्ट हो या चाहे ना हो, हमने ऐसे भी किया हुआ है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन, ठीक है। हमने नहीं हमें नहीं पता कि करता या नहीं करता, लेकिन उससे हमें प्रोडक्ट्स बहुत ऑथेंटिक और अच्छी मिल रही थी, तो हमने वो क्योंकि अनगेटेड प्रोडक्ट थी, ठीक है, गेटेड नहीं थी, तो हमने इनवॉइसेस वाला इशू जहन में रखा ही नहीं, हमने उसको फिर भी सेल किया, अभी तक हमें उसके ऊपर कोई इशू नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपको बात बताने की कि ये आपको स्ट्रेटजीज आपको पता होता है कि अकाउंट आपकी हेल्थ कितनी है, उसके ऊपर आपकी सेल्स कितनी है, उसके अगेंस्ट ही जो है ना आप लोग ये काम कर रहे होते हैं। डू यू हैव एनी कॉल टेम्पलेट? कॉलिंग टेम्पलेट जो है ना आपको मैं बताता हूँ, कॉलिंग टेम्पलेट आप लोग खुद बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप लोग चैट जीपीटी के ऊपर जाके वहाँ पे आप बहुत अच्छा अपना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे जो मेन चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं होती कि कॉपी पेस्ट आपने करना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। यही तो बात है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में या जहाँ पे इतनी ज़्यादा फीसेस दी जा रही होती है, वो क्या करते हैं, आपको कॉलिंग टेम्पलेट्स जो पहले बने होते हैं या जो मेलिंग टेम्पलेट होते हैं वही दिए जा रहे होते हैं। आप मेल पे मेल एक दिन में आप 20-20 ब्रांड्स को, 30-30 डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप कर रहे होते हैं, आप समझते कि नहीं मैंने तो आज बहुत अच्छा काम करी। ऐसे अगर अप्रूवल मिलने शुरू हो जाए तो फिर तो जिसको मतलब कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, सिर्फ उसको ये बता दीजिए कि ये आपने मेल करना है वो भी किया जाएगा, ऐसे तो फिर हर बंदे को अप्रूवल मिले, ठीक है। मेन चीज़ होती है कॉलिंग पे, अपने कॉल पे ज़्यादा जो है फोकस रखना है।
आज का असाइनमेंट क्या होगा? पहले वाले का नंबर भी नहीं मिला, आप अपडेट तो करवा दें अपनी टाइम से बोल के। जी जी, आपकी जोन सी असाइनमेंट है उसको मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली उनको चेक करूँगा, करने के बाद उनके साथ ना आपको रिव्यू दिया जाएगा और उसके ऊपर मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। व्हाट आई विल बी इन द नेक्स्ट असाइनमेंट? नो सर, आई एम आस्किंग अबाउट योर ओन वे ऑफ टॉकिंग टू ब्रांड्स, टीम से बोल के। ओके ओके, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। टीम से भी जो है वो आपकी चीज़ें क्लियर करवा देंगे, लेकिन मेन चीज़ ये कि हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, मैं जैसे आपको मैंने टेम्पलेट बताया, मैं ऐसे ही कॉलिंग पे कर रहा होता हूँ, और अभी सिर्फ आपको बताया कि प्रैक्टिस आपने करनी है, ये बिल्कुल बेसिक है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अभी जैसे जैसे आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा, फिर मैं आपको उनका बताऊंगा कि आपने अब इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आप कॉलिंग करना स्टार्ट करें, मेलिंग करना स्टार्ट करें, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप ब्रांड्स के साथ, आपको बहुत चांसेस हैं आपको अप्रूवल मिलने के। अभी समझ लें कि आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट नहीं है ना, तो आपने यही समझना है कि आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा जो है वो बिजनेस ही करें, ठीक है। आपने अर्निंग कैसे करनी है? अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है ना, आप तब भी अर्निंग कर सकते हैं। आपने ये ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के आप अप्रूवल ही ले रहे हैं बस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के आप अप्रूवल ही ले रहे हैं, ये भी अप्रूवल ईजिली जो है ना 100 से $150 में सेल हो जाते हैं, ठीक है। These are things you have mentioned to do. Please guide us. What things not to do means what should we avoid? जी, आपने avoid ऐसे ही करना है कि आपने जो है ना इतनी लंबी बात नहीं करनी, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसे आपने इतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब उसको उलझाना नहीं। आपने कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी से जो है ना अपनी आप मेन चीज़ उसको बता सके, आप बताएं। जो मैंने अभी आपको टेम्पलेट बताया, ये देखिए कॉलिंग टेम्पलेट है, ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। इसको आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो मेरे ख्याल से जो है ना ये इसके ऊपर 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है, ये चीज़ें कर पूछने में, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने इसको जो है ना एकदम से सारे को रीड कर देना है, नहीं, आपने इसको जैसे वो आपसे बात करेगा उसी हिसाब ने आप हिसाब से आपने उसका रिप्लाई भी करना है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आपने पूछना लाजमी है, क्योंकि यही आपकी जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। आपको नीड ही है कि आपने ये पूछना है उससे, क्या आपकी इनवॉइसेज एक्सेप्ट होती हैं, क्या आपके अमेजोन के साथ अलाउ करते हैं। अगर आप समझ लें कि वो सिर्फ उनसे ये पूछते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, वो कहते हैं हाँ ठीक है आप मेरे साथ काम कर लें, लेकिन आपके बाकी क्वेश्चंस आप क्या ईमेल पे करेंगे? नो, आपने ईमेल पे नहीं करने, आपने कॉल पे करने, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उसी टाइम जो है ना क्लियर करनी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। दीज आर थिंग्स, ओके, वाई कॉन्टेक्टिंग ब्रांड? जी जी, कॉन्टैक्ट ही, जब आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है तो आपको मैंने यही बताया, आपने कोशिश करनी है कि ये जोन सी आपको अभी बताई गई ये चीज़ें, आपको क्वेश्चंस बताएंगे, ये आपने लाजमी करने, ठीक है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये नीड ही आपकी ये, जब तक आप ये उनसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं या नहीं होती, क्या ये अमेजोन के ऊपर रीसेलिंग अलाउ करता है या नहीं करता। जब आप उनसे पूछेंगे, उनसे ये बातें आपकी हो जाएंगी, क्वेश्चंस हो जाएंगी, देन आपको पता चलेगा। तो सिर्फ आपने इनको लाजमी करना है, बाकी आप कोशिश करें कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना कॉलिंग, आपके खुद ही दिमाग में ऐसी चीज़ें आती जाएंगी कि हाँ ठीक है अब ये भी मेरे से पूछ सकता है, इसका रिप्लाई मैं ऐसे करूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप चैट जीपीटी को जो है स्टार्ट करें, उसके ऊपर बहुत अच्छी आपको टेम्पलेट्स वो खुद ही, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे टेम्पलेट्स होते हैं, आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सर, आज की क्लास के रिलेटेड लेक्चर कब अपलोड करेंगे? नेटवर्क की वजह से नहीं अटेंड हो सकी। जी, ट्राई करूँगा, आज ही आपको जो है ना ये अपलोड कर दी जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी जोन सी प्लेलिस्ट होगी आप उसी के अगेंस्ट जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपके अपडेटेड लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। प्रेफरेंस इज कॉलिंग और ईमेल? प्रेफरेंस इज कॉलिंग, ठीक है। ईमेल तो मेल तो आप करें ना, जैसे आप कॉल पे करेंगे ना बात, वो करेगा हाँ ठीक है मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, आप मुझे मेल करें, ठीक है, या हमारे जाके आप ऐसे करें वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्टर करें, उसको कहें कि ये मेरा ईमेल है, ठीक है, ये मैंने आपको किया हुआ है ऑलरेडी, और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे चुका हूँ, ठीक है। आप उनको कहें हाँ ठीक है मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। जैसे आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद आप उनको क्या करते हैं, अपनी आप डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड दे देते हैं उनको, आप उसको रीसेल सर्टिफिकेट देते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन लेटर देते हैं, ठीक है, और ये वाली चीज़ें आप जब, या टैक्स आईडी भी रीसेल सर्टिफिकेट ही होता है,
जब आप उनको ये दे देते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स को देखता है और जब अप्रूव कर देते हैं ना देन आपको कहता है कि ठीक है, वो आपको मेल कर देता है कि आपका अकाउंट हमारे साथ अप्रूव हो चुका है, ये आपका मेल है और ये आपका पासवर्ड है, इसको लॉग इन करें और आपको जो है हम दे देते हैं, अपनी प्राइसेस शो कर देते हैं। देन उसके बाद वो क्या करेगा कैटलॉग उसी ईमेल के ऊपर शेयर करेगा, इसलिए मेल भी करना ज़रूरी है लेकिन आपको कॉल करके ही आपको अप्रूवल मिलेगा, सिर्फ मेल पे अप्रूवल नहीं मिलेगा। ग्रैबले एक्सटेंशन किस काम आती है? ग्रैबले एक्सटेंशन बेसिकली आप जब जाते हैं, अभी मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ, ग्रैबले होता है कि उसके ऊपर जो है ना वो आपको बता रही होती है ग्रैबले कि इसके ऊपर FBA कितने, FBM कितने हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर प्रेजेंट सेलर्स होते हैं, सिर्फ ये आपको ग्रैबले शो कर रहा होता है, साथ उसका BSR बता रहा होता है बस। अभी जो है उसमें बहुत अच्छी अपडेट आई है, वो साथ ही उसके ऊपर क्वांटिटी भी बता रहा होता है कि इसके ऊपर जो है वो क्वांटिटी कितनी है। एक्यूरेट नहीं होती 100%, लेकिन ये कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है करीब करीब तरीन बताता है कि इनके सेलर्स के पास टोटल इसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है इस प्रोडक्ट की। माई असाइनमेंट नंबर वन इज ऑल्सो अनचेक्ड सर, वेयर वी गेट दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट। जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे देन वो आपको खुद उसकी, क्योंकि कोई भी जो है कंपनी आप बनाते हैं ना, जब देखें एक आपके पास वो आ गया, क्लाइंट आ गया, तो ऑब्वियस बात है क्योंकि वो होलसेल का है तो होलसेल के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। जब वेबसाइट बना लेते हैं तो खुद ब खुद ही समझ लें आपका जो है वो होस्टिंग आपकी बन जाती है, मतलब आपका प्रोफेशनल ईमेल बन जाता है, वेब मेल बन जाता है, ठीक है। जब आपको होस्टिंग बनानी पड़ती है उसके साथ आपकी वेबसाइट भी बन जाती है, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट बन गए। देन उसके बाद जो LLC होती है उसके बगैर तो होलसेल होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब होलसेल इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर होता ही नहीं है। तो जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो आपको कहते हैं हाँ ठीक है अप्रूवल लेके दें। आपने ये देखें, फर्ज करें अभी आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करवाता हूँ, आपने जोन सा अभी आपने वेब में और आपने जो फोन नंबर लिया होगा ना, आप इसी के ऊपर नहीं आप ईमेल सॉरी अप्रूवल ले सकते। जब आपके पास डॉक्यूमेंट क्लाइंट वाले आएंगे ना, सिर्फ आपको अभी जो वेब मेल और फोन नंबर लेने की, सिर्फ यहाँ पे यही फायदा है कि अभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ब्रांड या कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो अप्रूवल देते हैं और उनके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। आप उनके सामने कैटलॉग आपको मिल जाते हैं, आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या करते हैं अब आपके पास क्लाइंट आ गया, अब आपने क्लाइंट से लेनी है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स, आपने उन्हीं जो दे देते हैं ना अप्रूवल, उन्हीं को आपने दोबारा अप्रोच करना है उसके जो डॉक्यूमेंट के थ्रू, उसके वेब मेल के थ्रू, क्योंकि आपको पता चल चुका है ये तो अप्रूवल दे देते हैं, आपने उसके वेब मेल और उसके नंबर के ऊपर, या नंबर कोई सा भी होना चाहिए कोई मसला नहीं है, लेकिन वेब मेल उसी का यूज़ करना है। और देन जब आपसे वो डॉक्यूमेंट दोबारा मांगेगा ना, तो तब आपने फिर जो है वो अपने क्लाइंट वाले ही देनी, क्यों, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये वाला जो ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है ये अप्रूवल दे देता है, तो आपने फिर वो वाले डॉक्यूमेंट देंगे, देन उसके उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ना, या उस रीसेल सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है, अप्रूवल। व्हेन अ क्लाइंट कम टू अस फॉर होलसेल, हम उनसे कौन से डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जो इम्पोर्टेंट है होलसेल पे वर्क करने के लिए? सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम LLC कहते हैं, ठीक है, और LLC आप वो मांगते हैं, उसके बाद आपसे वो टैक्स ID मांगते हैं, आपको कहेंगे रीसेल सर्टिफिकेट, उन्होंने पहले ही लिखा होता है, अगर आपको वहां से ना मिले टैक्स ID हो तो टैक्स ID का मतलब भी रीसेल सर्टिफिकेट है, मेन जो है सिर्फ यही है। और ये आपसे अप्रूव, वो सिर्फ आपको प्रूफ मांगते हैं कि आप वाकई में होलसेलर हैं, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपसे जब प्रूफ मांग लेंगे, वो जब सिक्योर जो होती है सिक्योरिटी उनकी होती है, मतलब स्टेट की, ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी से आपका वो देखते हैं कि रीसेल सर्टिफिकेट वाकई में ही आप लोगों ने जो है वो सप्लायर एज अ सप्लायर आप लोगों ने बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो आपसे नहीं रिक्वायर्ड करता या आपके पास वो नहीं होगा देन आपको वो अप्रूवल ही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि टैक्स जो होता है ना वो फिर आपको पड़ेगा, तो वो टैक्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये रीसेल सर्टिफिकेट बेसिकली टैक्स एग्जेम्प्ट ID होती है, ठीक है, तो उनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट ये होते ही होते हैं, वेब मेल भी होती है, और जब आप वेबसाइट बनाई होती है तो वेब मेल खुद ब खुद ही आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये परचेज करनी ही पड़ती है। वेब मेल जिसको वेबसाइट कहते हैं, वेबसाइट और रीसेल सर्टिफिकेट और LLC, ये 3 चीज़ उनको आपने देखना होता है और ये होनी चाहिए मस्ट जी। रीसेल सर्टिफिकेट और रीसेल सर्टिफिकेट या टैक्स ID एक ही चीज़ है, मतलब रीसेल सर्टिफिकेट, LLC और जो उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट जो है जब आप दे देंगे वो तो ज़्यादा प्रोफेशन लगेगा काम ना,
ज्यादा प्रोफेशनल होगा। क्यों? क्योंकि जब वेबसाइट होगी तो ही आपके पास ना वेब मेल होगा, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन चीजें आपके क्लाइंट के पास होनी चाहिए, देन आप उसके साथ फर्दर काम करेंगे। और जिनके ऊपर आप लोगों ने पहले काम किया होगा, आपके पास पहले ब्रांड्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, देन आपके पास जो है वो पता चल जाएगा आपको कि अब मैंने ये इसी के ऊपर जो है, इसी वेब मेल के ऊपर मैंने क्या करना है, अपने क्लाइंट को भी अप्रूवल लेके देना है, इसी के ऊपर जो है वो आ जाएंगी इन्वॉइसेस आ जाएंगी, इसी के ऊपर मेरा उसके ऊपर साथ जो है ना वो अकाउंट ओपन हो जाएगा, और इन्हीं के ऊपर जो है ना वो पेमेंट की रिसिप्ट भी आ जाएगी, इन्वॉइस आ जाएगी, ठीक है। इसलिए जो आपने फिर वो चेक करनी होती है, उन्हीं के ऊपर आपने काम करना था अपने क्लाइंट वाले। वेब सर, वेबसाइट हम कहाँ बनाएंगे? आपने वेबसाइट नहीं बनानी, आपने जब अपना खुद परचेज करेंगे ना वेब मेल, देन आपको उसकी लेनी पड़ेगी, उसकी जो होती है एक वेबसाइट की जो परचेज करते हैं क्या कहते हैं उसको, मतलब आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, डोमेन होती है, ठीक है। अगर आप खुद करते हैं, आप GoDaddy के ऊपर भी कर सकते हैं, Namecheap के ऊपर भी कर सकते हैं, Hostinger.com के ऊपर भी कर सकते हैं। ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको देते हैं डोमेन, ठीक है, मतलब आपको वेब होस्टिंग देते हैं, आप लोग वहां से जाके अब ये खुद अपनी वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है। देन आपने उसको जो है Shopify पे, मतलब उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं या अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसके ऊपर कर सकते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर आपको आता है तो उसके ऊपर भी आप उस अपनी लगा सके और उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट को, डोमेन जो आप परचेज करेंगे। बता दें वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट जब आपने जाना है GoDaddy, Hostinger.com या Namecheap, ठीक है, ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप लोग जाके अपना प्रोफेशनल वेब मेल बनाते हैं और वहां पे आपको डोमेन परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप डोमेन ले लेते हैं ना, डोमेन लेने के बाद आप क्या करते हैं, Shopify के ऊपर चले जाते हैं या फिर आप क्या करते हैं WooCommerce, ठीक है, WooCommerce के ऊपर भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। उसकी YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि Shopify के ऊपर कैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, स्टोर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप WordPress के ऊपर अपनी कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, WooCommerce के ऊपर कैसे बना सकते हैं, ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप वेबसाइट बना सकते हैं। देन जोन सी आपने डोमेन परचेज की होगी ना, वो आप इंटीग्रेट करके उसको लाइव कर सकते हैं। विच डॉक्यूमेंट क्लाइंट नीड्स फ्रॉम अस इफ एनी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छी एक शीट बनी हो जिसमें आपके पास अप्रूवल्स अवेलेबल हों, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों, जिसमें आपके पास ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपके पास ये वाला वेबमेल, फ़ोन नंबर और ये आपके पास चीज़ें होंगी, आप इनके ऊपर काम अभी से करेंगे तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाएंगे, ब्रांड्स भी आ जाएंगे और देन आपके पास प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जिनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती होंगी। जो आपके पास जब ये चीज़ें अवेलेबल होंगी ना, तो मार्केट में आपके पास क्लाइंट भाग भाग के आएंगे कि मतलब मेरे साथ काम करो। मैं ये आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि अभी से अपनी शीट को बहुत ज़बरदस्त बनाएं। जो सी आप असाइनमेंट को क्लियर करें, अब उसको समझें कि उसी के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम काम करें, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आप अपना दें। I will be waiting for your video for Skype. Okay, okay, ठीक है, मैं ये इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वेबसाइट बनाना मस्ट है, जी जी बिल्कुल, वेबसाइट बनाना मस्ट है, क्योंकि वेबसाइट अगर आप मतलब वेबसाइट का मतलब वेब मेल ही है बेसिकली, ठीक है। जब आप वेब मेल लेते हैं तो वेबसाइट बनाना फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप डोमेन परचेज कर लेते हैं, उसके बाद वेबसाइट आपने मस्ट बनानी होती है, क्योंकि होलसेल वेबसाइट के बगैर नहीं चल सकता, वेबसाइट की आपको ज़रूरत पड़ती है। किसी को वेबसाइट बनानी हुई तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जी ये यहाँ पे हैं सादिया निसार हैं, इनको वेबसाइट बनानी आती है, तो आप लोगों ने मस्ट ऐसे करना है, इनसे कांटेक्ट करना है, जब भी आपने बनानी हो वेबसाइट इनसे बनवा सकते हैं। और वैसे भी आप जिनसे LLC बना रहे होते, अगर हमारी लेना चाहें आप सर्विसेज, हम भी आपको बना के दे देंगे और अच्छे रेट्स के ऊपर बना देते हैं। और लेकिन ये सादिया निसार हैं, इनको वेबसाइट बनानी आती है, और आपने इनसे कांटेक्ट करके आप इनसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें खुद को एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेट का मसला हो रहा है, नेट का मसला आपकी तरफ से हो रहा है ये बता दें।
अगर आप यूएसए में, क्योंकि हमने यूएसए में आपको मैं बता रहा हूँ, यूएसए के क्राइटेरिया के हिसाब से आपने जब कॉल करनी है, जब पाकिस्तान में 8 बज रहे होते हैं, ठीक है, 8 PM, तो यूएसए में समझ ले के 10 बज जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मॉर्निंग के 10 बजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमसे 2 घंटे जो है ना, मतलब वो हमारे से 12 घंटे आगे हैं, ठीक है, 2 घंटे, मतलब समझ ले इधर PM है ना, तो इधर PM के हिसाब ने आपने ऐसे करना, 2 घंटे आपने और ऐड करके वहाँ का AM आपने बना लेना, ठीक है, 8 बज रहे होंगे जब पाकिस्तान में, तब आपने जो है कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि तब वो मॉर्निंग में होते हैं, तो आपकी फर्स्ट में आपकी अगर कॉलिंग चली जाएगी तो उनको कॉल अटेंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाएंगी। एक GC बन बन देता है आपको को जब डन आप अगर GC में भेज दें लिंक तो हम उस पे डिस्कशन कर लें। ये आपकी हसन अवान आपकी बात की समझ नहीं आई, काइंडली आप दोबारा से ये बताएं। यूके में आपने ऐसे करना होता है, यूके में जब दिन के 12 बज जाते हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान में दिन के 12 बज जाते हैं, आपने यूके में तब कॉलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, यूके में आप वहाँ पे इस टाइम कॉल करें कॉल, और यूएसए में आप रात को 8 बजे कॉलिंग स्टार्ट करें, और ये बहुत अच्छा, इसमें बहुत ज़बरदस्त आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको आपको बात करके ना, मतलब समझ लें कि आप जब एक एक अप्रूवल ले लेंगे ना, तो आपको बस फिर समझ लें कि आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल हर ब्रांड नहीं दे रहा होता, आपने अगर समझ लें कि आप कहें कि मैंने 20 ब्रांड को जो है कॉल कर ली, 20 में से मुझे एक ने भी अप्रूवल नहीं दिया, तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही होता है, ये काम ही ऐसे चलता है, आपने करते जाना कॉलिंग, मीन्स मॉर्निंग यूके एंड इन नाइट यूएसए, जी बिल्कुल ऐसे ही है, मॉर्निंग से ये नहीं कि आपने 10 बजे नहीं बैठ जाना, आपने कोशिश करनी है कि मतलब 2-3 बजे जो है ना पाकिस्तान के जब बज जाते हैं, सॉरी 12 बजे नहीं, आपने 2 बजे, दिन के 2 बजे पाकिस्तान के जो है वो मिस्टेकनली मैं आपको 12 बजे शायद कह चुका हूँ, आपने दिन के 2 बजे जो है वो बैठना है यूके की कॉलिंग के लिए, ठीक है, अगर यूके का ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो शिपमेंट के चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्या मतलब शिपमेंट के चार्जेस कुछ भी नहीं होते, जो से उनके चार्ज होते हैं वो आपको बता देते हैं कि कौन से उनके चार्जेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मिलने से चार्जेस तो ज़्यादा नहीं होते, ये तो चार्जेस ज़्यादा हैं कुछ भी है, समझ लें कि आपको ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया आपके लिए यही सब कुछ है, मैं कह रहा हूँ कि हम एक ग्रुप बना देते हैं उस के लिए कि आपको जब दूंगा आप ग्रुप का लिंक इस ग्रुप में भेज दें तो हम आपस में डिस्कशन कर लें, जी आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, आपके पास ये डायरेक्टली जो है ना सबके साथ आपकी बात हो रही है और सबके रिप्लाईज आपको मिल रहे हैं, तो एवरीवन आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिसने भी बात करनी है यहाँ पे आप पर्सनल भी बात कर सकते हैं, मेन चीज़ ये कि मैंने आपको नेम बता दिया, और ये होता है कि जब आपको सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे आके डिस्कस करें, ठीक है, कि मुझे इस चीज़ की सर्विस की ज़रूरत है, या फिर अगर आप लोग अभी परचेज करना चाहते हैं मिलके कोई भी टूल परचेज करना चाहते हैं तो अभी बता दें, ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे एक ब्रांड ने लिस्ट शेयर की थी फर्स्ट मेल पे ही, तो क्या वो ऑथेंटिक ब्रांड होगा, अगर ब्रांड ने आपको दे दी है ना लिस्ट तो आपको ऑथेंटिसिटी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको फिर नहीं देखना कि वो ऑथेंटिक है नहीं है, बस समझ लें कि आपके लिए वो सब कुछ वही है, फिर उसके लिए आपको ऑथेंटिसिटी देखने की ज़रूरत ही नहीं, हमने ऑथेंटिसिटी देखनी होती है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की और होलसेलर की, बस ब्रांड की कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना आपने ऑथेंटिसिटी नहीं देखनी, अगर आपको ब्रांड अमेज़ोन के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसका ट्रेडमार्क है, वो काम कर रहा है और उसकी अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी सेल कर रहा है, प्रोफेशनल उसका वेब मेल है, तो इट मीन्स कि वो कभी भी फेक नहीं हो सकता, ब्रांड फेक नहीं होता, ठीक है, उसकी इतनी ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो वो आपके लिए ब्रांड ऑथेंटिक ही होगा, ठीक है, उसकी हमें ऑथेंटिसिटी देखने की ज़रूरत नहीं होती ब्रांड की, क्योंकि देखिए ना एक ब्रांड है, ब्रांड बनाने में थोड़ा सा पैसा नहीं लगता, ब्रांड बनाने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है, 50-60 लाख $1,000 लग जाते हैं इजीली पाकिस्तानी, तो ये हिसाब लगा लें सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए कितना ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है, तो वो ब्रांड ऐसे नहीं होता कि वो मतलब इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद वो फेक, कोई भी नहीं ऐसे काम करता, क्योंकि ब्रांड तो ब्रांड होता है ना, ब्रांड के लिए तो हमें ऑथेंटिसिटी देखने की ज़रूरत ही नहीं होती।
ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मिल गया है तो। लेकिन ये होता है कि अभी मैंने आपको यही बताया ना कि अगर जरूरी नहीं कि आपको 20 के 20 अप्रूवल ही ना दें, ये भी हो सकता है कि 20 के 20 आपको अप्रूवल दे दें, ठीक है। मतलब ये कि इसमें ये आपने बस करते जाना इसको काम को, ठीक है। और इसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाएगा, आप कॉलिंग पे है ना बेसिकली, आपने उसको कन्वेंस करने। अब देखें, फर्ज करें कि एक जो है ना ब्रांड है, ठीक है, वो अप्रूवल दे देता है। अब आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, वो अप्रूवल दे देता है इजीली, समझ लें। फर्ज कर लें कि एक ब्रांड है, वो अप्रूवल दे देता है। अब आप ये देखें कि अगर इसने मुझे इतनी इजीली मुझे अप्रूवल दे दिया, इट मीन्स कि पाकिस्तान में पता नहीं कितने ज़्यादा लोग जो हैं इसको, पता नहीं शायद वो भी अप्रूवल लेके बैठे होंगे, इसके ऊपर कंपटीशन आ जाए, इसकी इतनी इतनी बड़ी कंपनीज हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी इसके साथ शायद काम किया होगा। आपने इस चीज़ को देखना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इतनी इतनी बड़ी कंपनीज जो है ना, वो भी अगर ब्रांड्स के साथ काम करी ना, तो ऐसे ब्रांड पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ब्रांड्स हैं जो, ठीक है, उन्होंने भी उनके साथ काम नहीं किया होता, हो सकता है कि आपको उसका अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। ये आपने चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि पता नहीं कितने लोगों ने इसके साथ काम किया होगा, या फिर मतलब ये अप्रूवल इतना ईजीली अगर दे रहा है तो ये शायद फेक होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता होता। अभी मैं आपको बताता हूँ, इतनी ज़्यादा इसमें अपडेट आ रही हैं और आए दिन मिलियंस ऑफ ब्रांड्स हैं जो इसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं। अगर आपको अप्रूवल मिल रहा है, आपने ऑथेंटिसिटी ऐसे ही देखनी, उसकी प्रोफेशनल वेब मेल देखें, उसके रिव्यूज़ देखें, उसके जाके अमेजोन के ऊपर रिव्यू देखें, उसकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू देखें कि मतलब कितनी प्रोडक्ट्स वो अभी तक सेल कर चुके हैं, और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कब कब कौन से मंथ को कौन से ईयर को उसके ऊपर जो है वो रिव्यूज़ आए हुए हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, इन चीजों को आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो ब्रांड ऑथेंटिक ही होता है ब्रांड, ठीक है। अब आपका इससे जो आगे स्टेप है, आप ऐसे करें, उसकी जो आपको शीट दी है उसको कीपा के ऊपर आप अपने क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसको फिल्टर करें, और जौन सी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी आपके क्राइटेरिया के ऊपर उनको जो है सोर्स करें और उसको सेल करें, ठीक है। उनमें से अगर आपको मैक्सिमम, ऐसे भी होता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं वो अगर आपको अप्रूवल दे देते हैं तो उनमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं होती, ऐसे भी होता है। आज का सिर्फ आपका टास्क यही है कि आपने जोन से ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी आपने फाइंड कर लिए हमें, उनको अभी आपने सोर्सिंग करनी है, तो सोर्सिंग कैसे करनी, उनसे आपने अभी जो है वो कैसे लेना है, कैटलॉग कैसे लेना है, ठीक है, मतलब आपने प्राइस लिस्ट कैसे लेनी है, उनको कॉल कैसे करनी है, उनको जोन से अभी तक आप लोगों ने फाइंड कर ली ना, अभी आप उनके साथ क्या कर दें, कॉलिंग और मेलिंग उनको स्टार्ट करें, ठीक है, कॉल करें मेल करें, यही समझ लें आपकी क्या हो जाएगी, आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। और इसी जोन से आपकी चीज़ें, मतलब आपको मैंने बताया हुआ ना कि आपने जोन सी असाइनमेंट मतलब शीट आपने क्रिएट की, उसके आगे आप अपने हिसाब से कॉलम्स बनाते जाएं, कि आपको लगे कि ये नहीं मेरे लिए जो है ना ये बहुत ईजी है कि मतलब ये वाला ब्रांड जो है ये अप्रूवल देता है या नहीं देता, आप अपने हिसाब से बना लें उसको। चाहे आप उर्दू जो है ना, मतलब जैसे हम मैसेज लैंग्वेज में भी ऊपर लिख सकते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा था, मैं इसके साथ बात की और जिसने मेरे साथ बात की वो बहुत अच्छा बंदा था, मुझे लगता है कि वो मुझे अगर उसको मैं कन्वेंस करना चाहूँ तो वो मुझे अप्रूवल दे देगा। आप ऐसे जो है ना वहाँ पे अपने लिए इतनी ईजी करके चीज़ें लिखें, वहाँ पे लिखें कि आपने मतलब इसने अगर मेरे से आज बात नहीं की तो देन इसको मैं अगेन कब इसके साथ जो है ना मैं कॉल करूँ, कि मतलब आज शायद ये बिजी था या इसने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, या मेरे से इसको ठीक तरह से बात नहीं बताएगी, इसको मैं दोबारा अप्रोच कैसे करूँगा। यही आपकी जो है बेसिकली असाइनमेंट है कि ये जोन जोन सी आपने चीज़ें बात इनके साथ करनी है, आगे से ये जोन सी चीज़ आपको बताते हैं, आपने उन्हीं को अपनी वेब अपनी जो है शीट के ऊपर आपने कॉलम न्यू बना के ऐड करके वहाँ पे आपने इनको लिखते जाना। और अभी जो है आप लोगों के कुछ दिन आप लोग रह चुके हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन अपनी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और अभी फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, ऑनलाइन भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो जोन से लोग आप में से रजिस्टर करना चाहते हैं, इनरोलमेंट करना चाहते हैं, वो 5 जनवरी से पहले पहले करवा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे और फिर आप लोगों की जो है वो क्लासेस उसके लिए शुरू हो जाएंगी, आपके कोर्स के लिए, ठीक है। उसमें ऐसे होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना वो ऑनलाइन आप क्लासेस दें, फिजिकल की
की बजाय, हालांकि पहले यही ज़्यादा कह रहे थे कि हमें फिजिकल, अभी शायद सर्दी की वजह से ऐसे जो है ना वो ज़्यादा कह रहे हैं। और ये कॉलिंग जो है ना, कॉलिंग आप लोग डायरेक्ट कॉलिंग ना किया करें, ठीक है। बहुत सारे जो है ना वो स्टूडेंट कॉलिंग कर रहे होते हैं, तो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड किया करें। ऑनलाइन इंटर्नशिप में और फिजिकल इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होगा? फिजिकल इंटर्नशिप में और ऑनलाइन इंटर्नशिप में बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। फिजिकल इंटर्नशिप में ये होता है कि हमने क्या करना है, जैसे आप आते हैं आके आपको कोई भी जो है ना, मतलब आपको कोई क्वेश्चन है, आप बैठ के जो है ना वो काम कर रहे होंगे, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होंगे। और ऑनलाइन में ये होता है कि आपको हम सेम टू सेम वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और ऑनलाइन में ये होता है कि आप इजीली कहीं पे भी बैठ के जो है वो क्लासेस ले रहे होते हैं, मतलब आप घर के कोई भी काम निपटा सकते हैं, साथ साथ हैंड फ्रीज यूज़ करके आप सारी चीज़ों को सुन सकते हैं। तो ये होता है फिजिकल इंटर्नशिप में और ऑनलाइन इंटर्नशिप में, इतना सा ही सिर्फ डिफरेंस है। बाकी ये कि हम ऑनलाइन भी आपको सारी की सारी चीज़ें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही करवाएंगे, ठीक है। और फिजिकली तो ये होगा कि आप जौन सी चीज़ें आएंगे उनके ऊपर भी हम आपको अकाउंट के ऊपर लेके जाएंगे, और ऑनलाइन भी आपकी जौन सी इंटर्नशिप होगी उसको भी हम आपके लिए अपने अकाउंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अकाउंट के ऊपर ही काम आपके साथ करेंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि आपको अमेजोन का अकाउंट दिखाया ही नहीं जाएगा, आप अमेजोन के अकाउंट के ऊपर आएंगे और उसके ऊपर आप लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही हम कर रहे थे बेसिकली। हमारा तो जो है वो चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी आउट भी हुई हुई थी, आपको पता है कि सर्दी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो टीम भी जो है उसमें मिस कर रहे होते हैं लोग, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी वो तो चल रही थी चीज़ें, लेकिन आपके लिए ही ये जो इनिशिएट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो कर लें, शायद आने जाने की वजह से वो इशू बन रहे हैं। तो इस वजह से अगर ऑनलाइन करना चाहें, जोन जोन आंसर लोग आप में से ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी आप लोग अलहदा से बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि इससे पहले आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद जो है हम नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर हमने काम करवाना अच्छे से करवाना है, और ये नहीं होगा कि उसमें सारी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। जो भी करवाएंगे एक मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक उसको लेके जाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त आपकी ये इंटर्नशिप होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको करने के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि आपने अकाउंट के ऊपर काम नहीं किया हुआ। जब आपने एक दफ़ा अकाउंट के ऊपर काम कर लिया, सारी चीज़ों को खुद पर्सनली कर लिया, कि मतलब प्रेप सेंटर में हम एक प्रोडक्ट को भेजते हैं, वहाँ पे आपने उसकी शिपिंग सॉरी वहाँ पे आपने उसकी पैकेजिंग कैसे करवानी है, कौन कौन सी पैकेजिंग आपने कैसे करवानी होती है। कोई मतलब आपकी प्रोडक्ट है उसके फ़र्ज़ कर लें कि उसके यूनिट्स पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 3 है, पैक ऑफ 4 है, उसको आप कैसे जो है करवा रहे होते हैं, ठीक है। लेबलिंग कैसे करवा रहे होते हैं, अमेजोन को आप कैसे शिप करवा रहे होते हैं, उसके बाद आपने शिपिंग लेबल्स कैसे क्रिएट करने होते हैं, शिपमेंट आपने शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना होता है, ये ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम आपको उसके ऊपर लेके जाके सिखाएंगे, ठीक है, अकाउंट के ऊपर। तो इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें आपको जौन सी चीज़ें आपने आज तक नहीं देखी होंगी, तो वो इंशाल्लाह हम आपको सारी की सारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे। बाकी ये वाली आपकी इंटर्नशिप, ये इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपके लिए फ्री इंटर्नशिप है, ठीक है। आप लोग इसको कभी भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई भी है, आप उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बैच 5 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों में से कोई भी अगर दोबारा से इनरोल करना चाहे तो फ्री इंटर्नशिप में भी कर सकता है। लेकिन अभी जो है वो जो आपका बैच 5 होगा वो अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, सॉरी बैच 4, वो हम अभी ये फिजिकल इंटर्नशिप या फिर ऑनलाइन आपकी जो इंटर्नशिप पेड वाली होगी उसको हम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल के आपका न्यू बैच भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये कि ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से होंगी, और मेक श्योर कर लें आप में से जोन से इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन ये कि ये प्रीमियर होगा, ठीक है, ये प्रीमियर आपका कंटेंट होगा, ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल किसी के लिए नहीं होगा, जो आके करेगा इंशाल्लाह वही मतलब उसके लिए ही चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों का फिर बाद में मिस यूज़ करते हैं, और इसलिए हमने पहले से जो है ना इसकी थोड़ी सी बनाई हुई है चीज़ें कि इसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कॉलिंग के रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिलेटेड, तो अभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपकी मीटिंग एंड होने जा रही, ठीक है।
अगर आप लोगों का इंटर्नशिप के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है उसके रिलेटेड आप में से कोई पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ जो है ना समझ ले कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये कभी भी नहीं कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप में से जो इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी, ठीक है। हालांकि अकाउंट आपको कोई भी नहीं देता, ऐसे अकाउंट की तो शक्ल भी नहीं दिखाते, लेकिन इंशाल्लाह हम क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत होती है और इसके ऊपर आपको पता है कि पीछे काम हो रहा होता है, तो इसलिए इसके लिए हमने मिनिमम बहुत ज़्यादा बहुत मिनिमम फीस इसके लिए रखी है। तो लेकिन हमें पता था कि ये चीज़ें जो है ना वो मैनेजमेंट कैसे होती है, इसलिए हमने जिस हिसाब से किया इसलिए हमने पहले से ही आप लोगों से जो है ना कन्फर्मेशन स्टार्ट कर दी थी कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उसी हिसाब से हम अपनी मैनेजमेंट को करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे फ्री में तो कोई चीज़ भी नहीं होती, तो इसलिए फिर इतने से में अगर आप लोगों को देने से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरे ख्याल से तो इनफ है। अगर आप लोगों में से कोई नहीं करना चाहता तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए ये फ्री इंटर्नशिप अवेलेबल होगी, कभी वो जब भी आप चाहें इसको अगेन आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं आपके लिए होगा। ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।